टूट कर चाहना और फिर टूट जाना, बात छोटी सी है मगर जान निकल जाती है। जो पाकीज़ा मोहब्बत करते हैं वो सबसे अव्वल निकाह के तलब रखते हैं। निकाह से पहले मोहब्बत नहीं वहम होता है, क्योंकि कुरान में है कि हमने निकाह के जरिए से तुम्हारे दिलों में मोहब्बत पैदा कर दी। रिलेशनशिप में कंप्रोमाइज होता है, लेकिन एक खास मुद्दत के बाद कंप्रोमाइज नहीं बल्कि फैसला करना चाहिए। जो मोहब्बत किसी एक शख्स के बदले बाकी सारे रिश्तों की कुर्बानी मांगे वो मोहब्बत नहीं सौदा है, और सौदे में अक्सर खसारे होते हैं। इंसान भी बहुत अजीब है, नफरत के इजहार में ताहीर नहीं करता और मोहब्बत को छुपाता फिरता है। मोहब्बत इंसान में ठहराव ले आती है। इंसान ऊपर से जितना पुरसकून नजर आता है अंदर से उतना ही बेचैन होता है। अल्लाह की मोहब्बत की इससे बढ़कर और क्या दलील होगी कि वो इतने गुनाहों के बाद भी उन्हें डांप के इज्जत देता है। धोखा देने के 1000 तरीके हैं, लेकिन सबसे घटिया तरीका मोहब्बत और हमदर्दी का दिखावा करना है। अपने आंसू खुद साफ करना सीखें, लोग साफ करने आएंगे तो सौदा करेंगे। मोहब्बत का सबक बारिश से सीखो जो फूलों के साथ साथ कांटों पर भी बरसती है। जब दर्द हद से ज्यादा बढ़ जाए तो इबादत का दौरानिया बढ़ा दो, कि तबीब भी बीमारी में दवा बढ़ा देता है। और जब मोहब्बत हो जाती है ना तो नमाज कजा करने वाले तहज्जुद अदा करने लगते हैं।